Next one, our topic is Resultset Holdability. Resultset Holdability determines if a result set is closed when the commit method of the underlying connection is called. ये क्या चीज़ है कि आपने क्या आपका commit method जब आपने auto commit off रखा हुआ है, हम कहते हैं जी by default जो जो हम insert कर रहे हैं वो खुद से commit ना हो, हम खुद commit करेंगे. अगर आपने auto commit false रखा है तो आप चाहते हैं result set के बाद, result set process करने के बाद भी आपने hold रखना है उसको या नहीं रखना, ठीक है. यानी commit करने के बाद क्या result set आप अपने पास रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ये इसको जो है ये एड्रेस करता है. सो डेटाबेस की जो सपोर्ट रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी, ये आपको बता देगा कि जी होल्डेबिलिटी जो भी आप चाहेंगे कि ये हमें क्या फलां पर्टिकुलर डीबीएमएस होल्डेबिलिटी को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, तो आप इस वाले फंक्शन से ये चीज़ ले सकते हैं. इनमें से दोनों में से कोई एक इसको पास करें, ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा. अगर होल्डेबिलिटी हुई तो ये होल्ड करने देगा डाटा, वरना नहीं करने देगा. इसका क्या मतलब है, ऑल रिजल्ट सेट इंस्टेंस आर क्लोज व्हेन कनेक्शन कमिट. अगर आप कर्सर ओवर कमिट कर देते हैं, क्लोज कर्सर ओवर कमिट जो बाय डिफॉल्ट इसका है, तो तमाम डेटाबेस के जो है रिजल्ट सेट क्लोज हो जाएंगे जब कनेक्शन कमिट हो जाएगा. लेकिन अगर आप कहते हैं होल्ड करें कर्सर, तो तब ऐसा कुछ नहीं होगा. रिजल्ट सेट इज केप्ट ओपन व्हेन द कनेक्शन कमिट, रिजल्ट सेट फिर भी ओपन रहेगा, ठीक है जी. क्लियर होगी ये चीज़. द होल्ड सेट कर्सर, ये जो हमारा होल्ड करने वाली बात है, इसका फ़ायदा क्या है, माइट बी यूजफुल इफ़ यू यूज द रिजल्ट सेट टू अपडेट वैल्यूज इन डेटाबेस, दस यू कैन ओपन अ रिजल्ट सेट, अपडेट रो, कॉल कमिट एंड स्टिल कीप द सेम रिजल्ट सेट ओपन फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन ऑन द सेम रो. इसका बेनिफिट ये है कि आपने कुछ चीज़ें इंसर्ट की हैं और अभी आपने कोई और ट्रांजेक्शन करनी, उसी ट्रांजेक्शन के अंदर कोई और काम भी करना चाह रहे हैं, तो तब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है. कोई ऑपरेशन, कोई कैलकुलेशन आप करना चाह रहे हैं कमिट करने के बाद, कमिट के बाद अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं, तो हम ये चीज़ जो है रिजल्ट सेट होल्ड कर्सर ओवर कमिट यूज़ कर सकते हैं. तो ये क्या करेगा, कर्सर को होल्ड कर लेगा, आप जितना मर्जी उसमें काम करें, दोबारा कमिट करें, कर्सर आपके पास ही रहेगा, रो आपके पास रहेगी, दोबारा आपको डीबी से रिट्रीव करने की ज़रूरत नहीं होगी. एक ही बार आ गई है उसी प्रोसेस के अंदर, जब तक आप जो है कनेक्शन को क्लोज नहीं करते, रिजल्ट सेट आपका वो होल्ड ही रहेगा, ठीक है जी. आई होप क्लियर दिस होल्डेबिलिटी. बस इसका यही मतलब है, क्या आप अपने रिजल्ट सेट को होल्ड करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे आफ्टर कमिटिंग योर डाटा. लेकिन ये किस केस में होगा, जब आपने ऑटो कमिट जो है ऑफ किया हुआ, फॉल्स किया हुआ है कि ऑटो कमिट हम नहीं कर सकते. लेकिन उससे पहले चेक कर लीजिएगा क्या पर्टिकुलर डीबीएमएस, पर्टिकुलर कनेक्शन जो भी है हमारा, वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. So this was all about result set holdability.